हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। और गाइस, आज की जो वीडियो है ऑन डिमांड वीडियो है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्लेलिस्ट में, यूट्यूब की प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट है जिसको हमने नाम दिया है ऑन डिमांड वीडियो। तो ऑन डिमांड के केस में गाइस, आप भी डिमांड कर सकते हो इंडिविजुअल टॉपिक के ऊपर कि इस पर्टिकुलर टॉपिक का मीनिंग क्या होता है, इसकी थियोरेटिकल पार्ट आप समझाइए, इसका प्रैक्टिकल कैसे प्रोसीड करेंगे वो समझाइए। तो गाइस, ये उसी के ऊपर बेस्ड है। और जो डिमांड आई है ये बेसिकली थोड़ी सी यूनिक है, यूनिक क्या इंपॉर्टेंट भी है। बेसिकली डिमांड ये है कि हम अपने स्टोरेज अकाउंट, जो AWS की सर्विस है, स्टोरेज वाले पार्ट में अगर आप चेक करेंगे ना, तो जो स्टोरेज अकाउंट है, स्टोरेज गेटवे है, सॉरी अकाउंट तो Azure में है, स्टोरेज गेटवे का जो प्रैक्टिकल है वो कैसे हम परफॉर्म करें, क्योंकि ये थोड़ा सा जो AWS स्टोरेज गेटवे का प्रैक्टिकल थोड़ा सा टफ है, क्योंकि इसके लिए हमें बहुत सी प्रीरिक्विजिट चाहिए। हमें एक ऑन प्रमाइसेस पे सेटअप बनाना पड़ेगा और कुछ क्लाउड पे एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो गाइस, ये जो वीडियो है ये पूरी तरीके से ऑन डिमांड बेस्ड वीडियो है, और इस वीडियो में हम आपको आपके पूरे डाउट को क्लियर करने वाले हैं, थ्योरेटिकल पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट दोनों के केस में। तो गाइस, आई होप कि आप सभी को पता होगा, अगर आप आर्किटेक्ट के कंटेंट को कवर कर रहे हैं या आर्किटेक्ट के कंटेंट को फॉलो कर रहे हैं या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए AWS आर्किटेक्ट काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि AWS गेटवे जो अपने पास सर्विस है कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर्विस है। चलिए डायरेक्टली हम प्रैक्टिकल पे चलते हैं। प्रैक्टिकल से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो हमें प्रैक्टिकल प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा, मीन्स अच्छे तरीके से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कोशिश करते हैं समझने की कि जो AWS गेटवे है, इस गेटवे का काम क्या होता है और इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रीरिक्विजिट क्या क्या होनी चाहिए। डन। तो सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं आपको समझाने के लिए कि AWS स्टोरेज गेटवे जो है वो कैसे परफॉर्म करेगा। बहुत ही यूनिक सर्विस है गाइस। इसमें हम हाइब्रिड इन्वायरमेंट बनाते हैं बेसिकली। अगर हम बात करें तो ये मान लेते हैं AWS का पोर्टल है, ठीक है, ये अपने पास AWS पोर्टल है और यहाँ पे आपका लोकल ऑन प्रमाइसेस ऑफिस है, आप बोल सकते हो लोकल ऑफिस आपका इस्टेब्लिश है। ठीक है, तो AWS तो एक क्लाउड प्रोवाइडर है, जाहिर सी बात है एक पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर है। इसमें हम साइन अप करके अपनी सर्विसेज को परचेज करते हैं। एंड ऑन प्रोमाइसिस की बात करें तो यहाँ पे आपके पास फिजिकल सर्वर जो आपने इस्टेब्लिश कर रखे हैं उनकी डिटेल्स है। तो गाइस, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि मान लेते हैं यहाँ पे कि आपने SAN कॉन्फ़िगर कर रखा है, स्टोरेज कॉन्फ़िगर कर रखा है, एक स्टोरेज एरिया नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर रखा है ऑन प्रोमाइसिस के केस में। एंड इस ऑन प्रोमाइसिस के SAN को आप सिंक्रोनाइज कराना चाहते हैं, मतलब इसके स्पेस को आप सिंक्रोनाइज कराना चाहते हैं कहाँ पे, AWS के पोर्टल पे। तो गाइस, अगर ऐसा आपका प्लान है तो डेफिनेटली इसमें आपका स्टोरेज गेटवे आपकी हेल्प करने वाला है। तो देखते हैं इसमें एजेंडा, देखते हैं एग्जैक्टली क्या हो सकता है। तो स्टोरेज, अगर AWS स्टोरेज गेटवे की बात करें तो मीनवाइल हम पोर्टल भी साथ में पोर्टल का पैनल भी ओपन कर लेते हैं ताकि जो है चीज़ें जो है क्लियर होती रहे। अब देखो यहाँ पे स्टोरेज गेटवे है, इस स्टोरेज गेटवे को हम एक अदर ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टोरेज गेटवे की बात करें तो तीन पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला है फाइल गेटवे, अभी आप देखेंगे प्रैक्टिकल भी, पहला फाइल गेटवे है, दूसरा वॉल्यूम गेटवे है और तीसरा अपने पास है टेप गेटवे। ओके, वॉल्यूम गेटवे एंड थर्ड वन इज टेप गेटवे। तो पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इनका, तीनों का यूज़ क्या है और इनको कैसे प्रोसीड करोगे। ठीक है, अब वॉल्यूम गेटवे कॉन्फ़िगर करना है तो उसका बेनिफिट क्या मिलेगा, अगर आप फाइल गेटवे बनाते हैं तो उससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है, और टेप गेटवे में आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, एक एक स्टेप देखेंगे इसके बारे में। तो गाइस, सबसे पहले फाइल गेटवे की बात करते हैं। तो फाइल गेटवे के केस में अगर हम थोड़ा सा इसको कंपेयर करना चाहें तो जैसे अपने पास EFS था, इलास्टिक फाइल सिस्टम, AWS की एक सर्विस है स्टोरेज की, जिस केस में हमने क्या किया था, EFS क्रिएट करके उसको अपने क्लाइंट मशीन यानी अपने लिनक्स मशीन या ऑन प्रमाइसिस के रन करने वाली लिनक्स मशीन के साथ हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं, मींस डेटा आप यहाँ पे ऑन प्रमाइसिस पे रखोगे या वर्चुअल मशीन पे रखोगे, बट अनफॉर्चुनेटली वो डेटा आपका EFS में सेव होगा। उसी तरीके से यहाँ पे फाइल गेटवे का काम होगा। फाइल गेटवे भी एक तरीके से मैप नेटवर्क ड्राइव की तरह काम करेगा, मींस आपने अपने SAN स्टोरेज को एसोसिएट करा दिया स्टोरेज गेटवे से, SAN स्टोरेज जो लोकल था उसमें से कुछ स्पेस आपने AWS गेटवे को अपने असाइन कर दिया, फाइल गेटवे को असाइन कर दिया। अब फाइल गेटवे क्या करेगा, S3 बकेट के साथ कोऑर्डिनेट करके आप ऑन प्रमाइसिस की मशीन पे, वर्चुअल मशीन पे या जहाँ पे भी आपकी कंप्यूटर रन कर रहे हैं, वर्चुअल मशीन रन कर रही है या फिजिकल मशीन रन कर रही है, आप उसमें उनको स्पेस प्रोवाइड कर सकते हो इन द फॉर्मेट ऑफ फोल्डर।
क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज है, स्टोरेज है, तो इसमें आप हार्ड डिस्क नहीं शेयर कर सकते हैं, आप इसमें एज ए फोल्डर शेयर कर सकते हैं और क्लाइंट को बोल सकते हैं कि आप अपना डेटा इस मैप ड्राइव में रखना, आप अपना डेटा इस शेयर फोल्डर में रखना, और एंड ऑफ द डे वो शेयर फोल्डर कहाँ का स्पेस कंज्यूम करेगा, आपके साइन का कंज्यूम करेगा। ये फाइल गेटवे की बात हो गई। वॉल्यूम गेटवे में कॉन्सेप्ट सबका सेम है, बट वॉल्यूम गेटवे की बात करें तो मान लीजिए आपने यहाँ पे एक वॉल्यूम वर्चुअल मशीन क्रिएट किए हैं और एज़्योर पोर्टल AWS पोर्टल के ऊपर कुछ VMs आपने क्रिएट कर रखी हैं एंड इस वर्चुअल मशीन के ऊपर आप कुछ स्टोरेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, मीन्स हार्ड डिस्क प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो गाइज यू नो दैट कि दो तरीके हैं अपने पास हार्ड डिस्क को लगाने के लिए इस वर्चुअल मशीन में। एक हार्ड डिस्क तो आप वहीं से परचेज करके ऐड कर सकते हैं, बट अगर आपके पास ऑनप्रोमाइज स्पेस है और ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि जो अपने पास ऑनप्रोमाइज सैन कॉन्फिगर किया गया है इस सैन के स्पेस को हम VM तक पहुँचाएँ, तो उस केस में वॉल्यूम गेटवे हमारी हेल्प करेगा। मींस वर्चुअल मशीन हमारी एज्योर पोर्टल की है, बट हम जो स्टोरेज उसको देना चाहते हैं, हार्ड डिस्क जो देना चाहते हैं, वो ऑन प्रमाइसेस से देना चाहते हैं, तो उस केस में हमारा वॉल्यूम गेटवे हमारी हेल्प करेगा। और थर्ड वन इज टेप गेटवे। तो गाइज अगर आपको याद हो तो पहले हम टेप ड्राइव इस्तेमाल करते थे बैकअप पर्पज के लिए, तो ये टेप गेटवे कुछ उसी तरीके से काम करता है। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा का बैकअप रखा जा सकता है क्लाउड के ऊपर। तो गाइज उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम गेटवे और फाइल गेटवे और अपना टेप गेटवे। तो चलिए इसका प्रोसीजर देख लेते हैं, बट प्रोसीजर के पहले प्रीरिक्विजिट हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि इस प्रैक्टिकल के लिए थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन हमें बढ़ाना पड़ेगा अपने ऑन प्रमाइसेस की। तो सैन ये हम यहाँ पर डिसाइड कर लेते हैं कि अपने पास एक सैन है और इस सैन के स्पेस को हम बांटना चाहते हैं क्लाउड पे या वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी विद द हेल्प ऑफ गेटवेज। तो स्टोरेज गेटवे में कोई सा भी हो सकते हैं। अभी हम आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाले हैं फाइल गेटवे का। तो गाइज अगर हम फाइल गेटवे की बात करें तो इस फाइल गेटवे की हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, लोकल से स्पेस को शेयर करेंगे फाइल शेयर पे और उस फाइल शेयर के थ्रू हम उस स्पेस को किसी भी VM के साथ मैप कराने वाले हैं। ये अपने पास एजेंडा है, मीन्स एनी हाउ यू आप बोल सकते हो कि हम एक हाइब्रिड इन्वायरमेंट बनाने चाहते हैं जिसमें हम अपने सैन के स्पेस को, लोकल के सैन के स्पेस को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टोरेज गेटवे AWS स्टोरेज गेटवे। प्री रिक्विजिट क्या होगी, आपको यहाँ पे दो ऑप्शन है आपको सेटअप इस्टेब्लिश करने के। अगर आप हाइपर वी इंस्टॉल करते हो तब भी आपका सेटअप रेडी हो जाएगा, अगर हाइपर वी नहीं है तो आप VMware का ESXi होस्ट भी इंस्टॉल कर सकते हो, करेक्ट। तो ESXi होस्ट इंस्टॉल करने के बाद हम अपने गेटवे को डाउनलोड करेंगे जो जिसका फॉर्मेट रहेगा OVA में, ओपन वर्चुअल फाइल आपको मिलेगी, लगभग 1 GB के आसपास इसकी साइज है। आप उसको इंस्टॉल करोगे अपने लोकल मशीन पे, सैन को कनेक्ट कराओगे ESXi होस्ट पे और इस ESXi होस्ट में जो OVA आप इंस्टॉल करेंगे, ESXi होस्ट में जो आप OVA इंस्टॉल करेंगे उस OVA की IP के थ्रू हम अपने लोकल स्टोरेज को क्लाउड पे मूव कराने का काम करेंगे और क्लाउड पे फाइल शेयर को कोऑर्डिनेट कराएंगे S3 बकेट से और S3 बकेट जो है अपने स्पेस को वर्ल्ड वाइड शेयर करने का काम करेगा। तो ये एजेंडा है, ठीक है, एजेंडा आपको समझना है, जाहिर सी बात है थोड़ा सा टफ है, बट अगर आप प्रैक्टिकल ध्यान से देखेंगे तो 100% ये प्रैक्टिकल हम परफॉर्म करने वाले हैं, इसमें रिजल्ट तक हम आपको पहुंचाएंगे, बिकॉज यू नो दैट कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि इसमें आपको एक एक स्टेप डिस्क्राइब करें बिना किसी स्किप के। तो चलिए अब इतना क्लियर हो गया है तो हम पोर्टल पे भी चल लेते हैं, और पोर्टल पे ऑलरेडी मैंने कुछ स्टोरेज गेटवे बना रखे थे तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये स्टोरेज गेटवे है, नाम से लग रहा है AWS स्टोरेज गेटवे इज अ सर्विस कनेक्टिंग टू ऑन प्रमाइसेस सॉफ्टवेयर अप्लायंस विद क्लाउड बेस्ड स्टोरेज, ठीक है ना। जो भी आपके पास अप्लायंस है और सॉफ्टवेयर अप्लायंस ऑन प्रमाइसेस पर रन करना है आप उनके बीच में कम्युनिकेशन करा सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इंटीग्रेट बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन प्रमाइसेस IT एनवायरमेंट एंड AWS स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपका AWS स्टोरेज पे इंफ्रास्ट्रक्चर है आप उसको ऑन प्रमाइसेस के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आप बेसिकली एक लाइन में बोल सकते हो कि हमें हाइब्रिड इन्वायरमेंट तैयार करना है। तो पहले AWS पे चीज़ें क्लियर कर लेते हैं फिर ऑन प्रमाइसेस पे जाते हैं, क्योंकि जो टफ है ना वो ऑन प्रमाइसेस की सेटिंग है। तो गेटिंग स्टार्ट पे करते हैं, तीनों ऑप्शन आ गए जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। फाइल में आप अपने डेटा को, ठीक है ना, स्टोर फाइल एज ऑब्जेक्ट इन S3 बकेट इन S3 विद अ लोकल कैसे फॉर लो लेटेंसी एक्सेस टू योर मोस्ट रिसेंट यूज डेटा। मीन्स आप अपने लोकल स्टोरेज इन्वायरमेंट, लोकल स्टोरेज में जो लोकल स्टोरेज के केस में जो सैन आपने इस्टेब्लिश कर रखा है उस सैन को आप अटैच करना चाहते हैं किससे, अपने S3 बकेट से।
ठीक है ना, लेटेंसी को कम करने के लिए। एक तो ये होता है कि आपने S3 बकेट पे डेटा अपलोड कर दिया, बट जब S3 बकेट से जब डेटा आप डाउनलोड करोगे अपलोड करोगे तो थोड़ी बहुत लेटेंसी आएगी, क्योंकि आप डायरेक्टली AWS से कोऑर्डिनेट कर रहे हो। उस केस में आपका इंटरनेट बैंडविड्थ भी डिसाइड होना चाहिए, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कितनी होगी। लेटेंसी 100% आएगी, लेकिन हम इस लेटेंसी को कम करना चाहते हैं, क्योंकि इसका जो कैसे है वो हम अपने ऑन प्रमाइसिस पे बनाना चाहते हैं, अपने सैन पे बनाना चाहते हैं। तो जो फ्रिक्वेंटली डेटा आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो फ्रिक्वेंटली डेटा आप यूज़ करते हो, आप उसको फाइल गेटवे के थ्रू एक्सेस करोगे, ठीक है, जिससे आपका डेटा भी सिक्योर रहेगा और जो लेटेंसी है वो भी हमारी ज़्यादा नहीं आएगी, ठीक है। ये हो गई फाइल गेटवे की बात। दूसरा है वॉल्यूम गेटवे, जिसमें आप हार्ड डिस्क को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले इसका प्रैक्टिकल फाइनल कर लेते हैं, उसके बाद वॉल्यूम गेटवे और टेप गेटवे पे भी एक एक वीडियो पे बात कर लेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ये है, वो है सेटअप बनाना। फाइल गेटवे पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। VMware पे सेटअप बनाना है, ऑन प्रमाइसेस पे हाइपर वी पे बनाना है, लिनक्स के VM पे बनाना है, Amazon EC2 इंस्टेंस पे बनाना है, ये क्लाउड की बात कर रहा है, या फिर आप कोई हार्डवेयर अप्लायंस परचेज करना चाहते हैं। तो ये थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी डेल EMC2 के सर्वर पड़े हैं स्टोरेज वाले, या HP के स्टोरेज पड़े हैं, तो आप उसके साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हो। बट अभी हम लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन प्रीफर करती है कि हार्डवेयर नहीं है तो उसको हम ESXi या हाइपरवाइजर के प्लेटफॉर्म पे इस्टेब्लिश कर दें। तो यहाँ पे है ESXi डाउनलोड इमेज, आप इस पर क्लिक कर देंगे, या आपको एक OWASP फाइल, जो OWASP फाइल की बात की थी ना हमने, यहाँ पे OWASP फाइल की को आपको डाउनलोड करना है सबसे पहले, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 1.5 GB की टोटल साइज है इस पर्टिकुलर OWASP फाइल की, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड इट, बट आपको थोड़ा सा दिखा दें। तो अभी यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे काम खत्म हो गया, अब हमें चलना पड़ेगा ऑन प्रमाइसेस पे। तो गाइज, ऑन प्रमाइसेस पे मैं पहले ESXi एज पर द एजेंडा, ये ESXi होस्ट इस्टेब्लिश करना है। तो यहाँ पे AWS पोर्टल को यहीं पर रहने देते हैं, हम अपने ESXi होस्ट को ओपन कर लेते हैं, जो कि मैंने इंस्टॉल कर रखा है एक अदर लोकल मशीन पे। ठीक है, हम लोकल मशीन को कनेक्ट करा लेते हैं यहाँ पे, ये मेरी विंडोज मशीन है। डन, ये अपने पास विंडोज मशीन है, इसमें हमने VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉल किया और वर्कस्टेशन के अंदर हमने एक ESXi होस्ट इंस्टॉल कर रखी है। तो यहाँ पे एक ESXi होस्ट है, इसको टर्न ऑन कर लेते हैं। इसमें मैंने हार्ड डिस्क भी कुछ अटैच कर रखी है, और थोड़ा सा प्रॉपर्टी देखेंगे तो इसमें क्लियर हो जाएगा कि हमने इस पर्टिकुलर सिस्टम पे क्या क्या अवेलेबल है। तो ठीक है, यहाँ पे 300 GB की हार्ड डिस्क और 40 GB की हार्ड डिस्क, टोटल जो ESXi की साइज़ है 11 GB। अगर आपके पास 6 GB या 8 GB का भी ESXi है तब भी काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो बट मिनिमम अगर आपके पास 8 GB की रैम है ESXi होस्ट में तो इट्स रियली गुड। 2 कोर का CPU हमने लगा रखा है, ठीक है। हार्ड डिस्क हम कुछ और ऐड कर लेंगे शेयर करने के लिए, क्लाउड पे ले जाने के लिए, बट अभी तो हम इससे प्रोसीड करेंगे। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमें जो ये OWASP फाइल है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा, हम इसी को यूटिलाइज कर लेंगे, इसी को यूज कर लेंगे। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। इस OWASP फाइल को हम डिप्लॉय करेंगे अपने ESXi होस्ट पे, और यही मशीन हमें प्रोवाइड करेगी स्टोरेज गेटवे की IP, और गेटवे की IP मिलने के बाद हम कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ओके, इट विल टेक 2 मिनट टाइम एनीवे, तब तक हमारा ESXi भी रेडी हो जाएगा। यस, इट्स ऑलमोस्ट रेडी, ठीक है। गाइज, उम्मीद है अभी तक का स्टेप आपको क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा ड्यूरेशन ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो की, क्योंकि यू नो दैट कि प्रैक्टिकल भी हमारा थोड़ा सा यूनिक और इम्पॉर्टेंट है। चलिए, इसकी एक IP मिल गई हमें 192.168.1.118, और इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं इसकी जो IP है वो स्टेटिक है या डायनेमिक। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप ESXi में इंटरनेट नहीं चल रहा है तो प्रॉब्लम हो जाएगी कम्युनिकेशन में। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी ESXi होस्ट पे डिफ़ॉल्ट IP रख दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मीन्स ऑटोमेटिक IP रख देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इस पे इंटरनेट का एक्सेस हो जाएगा।
नहीं स्टैटिक है तो हम इसको डायनेमिक बना देते हैं, ठीक है ना। आप इसको डायनेमिक करके ओके कर दो, स्किप करके शेप करना है हमें इसे वाई। क्लियर क्लियर, थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक बार इसको हमें रीसेट करना पड़ेगा। चलिए एक आईपी हमें मिल गई यहाँ पे 103, ये अपने पास ESXi होस्ट की आईपी मिल गई है 103। अब इसको आप ब्राउजर पे जाके एक्सेस करोगे, क्योंकि हमने जो ESXi होस्ट इंस्टॉल किया है वो है 6.5, तो आप 6.0, 6.5, 6.7 जो भी आपके पास है अवेलेबल आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। 103 आईपी है अपने पास यहाँ पे, अगर हम देखें तो ठीक है, यहाँ पे 103 आईपी है, नो नीड टू मेक एनी चेंजेस हियर। चलिए एडवांस में चलते हैं, प्रोसीड टू अनसेव, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ये आपका GUI पैनल रहेगा ESXi होस्ट का, जिसके थ्रू आप अपने OVA फाइल, OVA फाइल को जो आप डाउनलोड कर रहे हो उसको इंस्टॉल करना है। चलिए एंटर कर देते हैं और साथ ही साथ चेक कर लेते हैं, यस 15 सेकेंड रिमेनिंग, तो ये जैसे ही डाउनलोड होता है हम इसको होस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए ये सक्सेसफुली डाउनलोड कर लिया हमने, 1.something GB की फाइल थी, इसको हमने डाउनलोड कर दिया है। इसको ओपन कर लेते हैं डायरेक्टली फोल्डर में, दिस इज अवर ओ फाइल, ठीक है, ये अपने पास ओ फाइल है, सॉरी इसको हम कॉपी करते हैं और हमें इसको ले चलना पड़ेगा अपने विंडोज़ की मशीन पे, क्योंकि यहाँ से अगर हम इसको डिप्लॉय करेंगे तो 1.something GB की फाइल है, इट विल टेक मच टाइम, इस वजह से हम उसी मशीन पे लगा देंगे, विंडोज़ के सिस्टम पे लगा देंगे, जिससे ये इसका जो OVA के थ्रू जो वर्चुअल मशीन क्रिएट करेगा, जो मशीन क्रिएट होगी वो ईजी आसानी से हो जाएगी। ठीक है, एक्चुअली ये जो सेकेंड इमेज है ये क्लाउड पे है, तो क्लाउड से डाउनलोड होगी लोकल पे, लोकल से फिर यहाँ पे मूव होगी, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो अभी हम थोड़ा सा इसको पास कर देते हैं। डन, हमने सक्सेसफुली इसको अपलोड कर लिया, सॉरी डाउनलोड करके इसको हमें क्या करना है, अब डिप्लॉय करना है। डिप्लॉय इन द सेंस जो आपने ESXi होस्ट एक्सेस किया है ना, दिस इज अवर ESXi, हमें इस ESXi होस्ट में जो फाइल है अपनी, जो हमने अभी फाइल डाउनलोड की है ओवर फाइल ना, उसको इसको पे डिप्लॉय करना है। तो चलते हैं अपने पोर्टल पे, उस मशीन पे चलते हैं, सिस्टम पे चलते हैं जहाँ पे हमारा जहाँ पे हमारा ESXi होस्ट रन कर रहा है, ये अपने पास सिस्टम है जहाँ पे ESXi होस्ट रन कर रहा है, और लेट मी ओपन आवर मेन विजार्ड इन द सेंस बेस मशीन, सॉरी फाइन। सो गाइज ये अपने पास विंडोज की मशीन है, आप क्या करोगे इस पे ब्राउजर पे जाओगे, यहीं पे हमारा ESXi होस्ट भी रन कर रहा है वर्कस्टेशन में, कोई भी ब्राउजर आप ओपन कर लेंगे अपने ESXi का GUI पैनल एक्सेस करने के लिए, 192.168.103, ठीक है, ये अपने पास ESXi होस्ट है जो हमने इंस्टॉल किया था, और इस पर हमें क्या करना है, पहले तो लॉगिन करा लेते हैं, 1, 2, 3 फाइन। सो अब देखो यहाँ पे वर्चुअल मशीन का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, एंड यू नो दैट कि यहाँ पे क्रिएट पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन आएगा, डिप्लॉय ओवा फाइल या OVA फाइल, तो हमने जो डाउनलोड किया है सेटअप वो OVA फाइल में फॉर्मेट में है, नेक्स्ट करो आप, यहाँ पे कोई सा भी नाम दे दो, लाइक हमने दे दिया AWS गेटवे का, ठीक है ना, फाइल गेटवे, यहाँ पे डबल क्लिक करोगे आपका बेस मशीन ओपन हो जाएगा, और बेस मशीन में जहाँ पे भी आपने ओवा फाइल रखा है, किसी ड्राइव में रखा है या किसी फोल्डर में है, तो आप उसको यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हो। लेट मी चेक, क्योंकि आई थिंक मेरी जो हार्ड डिस्क है वो डिटेक्ट नहीं कर रही है, जस्ट गिव मी 1 मिनट।
ठीक है, अभी ये हमारी जो हार्ड डिस्क है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है, ये कनेक्ट हो चुकी है। डेटा जो हमने रखा है वो रखा है यहाँ पे AWS की फाइल में, और ये आपके पास OWA फाइल है लेटेस्ट, करेक्ट। तो आप AWS गेटवे OWA फाइल को ओपन करा लो। नेक्स्ट करना है हमें, कहाँ पे इंस्टॉल करना है आप डिसाइड कर लोगे। यहाँ पे अपने पास 200 गिग की एक हार्ड डिस्क लगी है, हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं क्योंकि इसको स्पेस चाहिए ज़्यादा। थिन ही प्रोसीड करते हैं, नेट रखने देते हैं, नो नीड टू डू एनीथिंग, अब फिनिश कर दो। अब ये फाइल आपकी डिप्लॉय हो रही है, मीन्स एक तरीके की वर्चुअल मशीन क्रिएट हो रही है। वर्चुअल मशीन ऑलरेडी डन है, क्रिएट है, बट आपको इसको बस रन कराना है। क्योंकि होता क्या ना कि एक तो VM बनाओ फिर OS इंस्टॉल करो, ये आपके पास कंप्लीट पैकेज है। तो कंप्लीट पैकेज आप बोल सकते हो कि OWA फाइल अगर आप डिप्लॉय करते हो अपने ESXi होस्ट पे तो आपको डायरेक्टली VM मिलेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना पड़ेगा। तो ठीक है, ये 7% 8% हो गया है, तो आई थिंक आई नीड टू पास द वीडियो क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। तो हम नहीं चाहते कि पूरे वीडियो का ड्यूरेशन जो है ज़्यादा जाए, तो थोड़ी देर के लिए इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपने जो AWS Gateway की OWA फाइल अपलोड की थी वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। आप बोल सकते हो इंस्टॉल हो चुकी है या अपलोड हो चुकी है। AWS Gateway को एक बार थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये जो कॉन्फ़िगरेशन उठाता है वो काफ़ी ज़्यादा रैम एक्सेस करता है, एक्सेप्ट करता है कि आपकी ESXi में हो। तो बाय डिफॉल्ट जो इसका कॉन्फ़िगरेशन जाता है वो 16 गीग रैम पे और 2 कोर का CPU। तो अगर आपके बेस मशीन की टोटल कैपेसिटी 8 GB है तो जाहिर सी बात है आप अपनी वर्चुअल मशीन को 16 गीग नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, हमें इसकी रैम की साइज़ को थोड़ा सा कम कर देना है। आप देखोगे यहाँ पे तो देखो 16 GB पूरा का पूरा स्पेस ये कंज्यूम कर रहा है। तो हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, टोटल हमारे ESXi की कैपेसिटी है 12 GB, तो 8000 दे सकते हैं इसको, 8500, मतलब लगभग 8 GB के आसपास इसमें हमने स्पेस प्रोवाइड कर दिया। टोटल जो हार्ड डिस्क है कितनी है, 80 GB की हार्ड डिस्क है। एक CPU का कोर की बात करें तो 2 कोर कर देते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हम अभी आपको क्लियर करते हैं कि चलिए ठीक है, यहाँ पे अपने पास जो NIC कार्ड है यहाँ पे कनेक्टेड है, एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ सही है, यहाँ पे आप इसको सेव कर देंगे। नाउ अब हम अपनी ESXi होस्ट को ना टर्न ऑन करने का काम करते हैं, इसको टर्न ऑन करते हैं। फुली लिनक्स बेस्ड मशीन है, फुली लिनक्स बेस्ड गेटवे है अपना, तो जाहिर सी बात है आपको इसमें GUI कुछ नहीं मिलने वाला, आपको जो भी एक्टिविटी करनी है वो कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू ही करनी पड़ेगी। तो चलिए ठीक है, ऑन होने देते हैं गाइस, उम्मीद है यहाँ तक केस्टे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं क्या क्या हमने किया। फाइल गेटवे हमारा प्लान है बनाने का, पहला स्टेप फाइल गेटवे हमने चूज किया है। क्वेश्चन ये है कि फाइल गेटवे क्यों बनाते हैं, तो बेसिकली फाइल गेटवे हम बनाते हैं ताकि हमारे जो ऑन प्रमाइसेस पे स्टोरेज है जो हम S3 बकेट में रखना चाहते हैं उनके बीच में लेटेंसी ना आए। आप अपने लोकल सैन से अपने S3 बकेट को जोड़ना चाहते हो और जो डेटा रखोगे आप अपने लोकल सैन के थ्रू S3 बकेट में मूव कराओगे, जो लेटेंसी आती है डाउनलोडिंग अपलोडिंग के टाइम पे वो कम करने के लिए हम फाइल गेटवे का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा जो प्रीरिक्विजिट है, ऑन प्रमाइसेस पे हमने ESXi होस्ट इंस्टॉल किया 6.5 को, और उसमें हमने OWA फाइल डाउनलोड की थी अपने AWS पोर्टल से, उसको हमने डिप्लॉय किया और अब हम पहुंचे हैं उस OWA मशीन को रन करने के लिए। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको टर्न ऑन होने में क्योंकि अभी रिसेंटली हमने इसको इंस्टॉल किया है, OWA फाइल को डिप्लॉय किया है। तो एक बार ये लॉग इन पेज पे आ गया है, बाय डिफॉल्ट जो यूज़र नेम मिलेगा आपको वो मिलेगा एडमिन, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिए जो अपने पास डिफॉल्ट यूजर नेम है वो है एडमिन, और जो पासवर्ड होगा वो आपका पासवर्ड होगा, पासवर्ड, ठीक है। सक्सेसफुली आपने लॉगिन किया, आप देख रहे हो यहाँ पे एक आईपी एड्रेस दिखाई पड़ रही है 192.168.1.0.106, ये आपकी आईपी एड्रेस बाय डिफॉल्ट मिली है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट, क्योंकि हमने सेटअप किससे बनाया है, ESXi से, तो हमने पहला ऑप्शन सेलेक्ट किया और नेक्स्ट कर दिया। पब्लिक एक्सेस करना है, नेक्स्ट करेंगे। ये आईपी आपको देनी है अपने कनेक्शन वाले पार्ट में, तो 106 आईपी किसकी है, OWA फाइल को जो अभी रिसेंटली आपने मशीन बनाई। कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर सब कुछ सही रहा तो आप कनेक्शन हो जाएगा, अगर कनेक्शन नहीं होता, क्योंकि यहीं पे आके हमारी जो प्रॉब्लम है ना यहीं पे हम स्टक हो जाते हैं, लेकिन अभी तो कोई ऐसी दिक्कत आई नहीं है। तो गेटवे आप दे दीजिए, यहाँ पे कनेक्शन हो गया, गेटवे आप कोई से भी दे देते हैं, AWS फाइल गेटवे हम बना रहे हैं, तो AWS फाइल गेटवे के नाम से हमने प्रोसीड किया एंड नाउ वी नीड टू क्लिक ऑन एक्टिवेट गेटवे, ठीक है ना।
एक्टिवेट गेटवे पे आप क्लिक कर दोगे, ये प्रिपेयर कर रहा है कितनी हार्ड डिस्क आपने जो लगा रखी है, ये सकता है अपने उस ओवा फाइल में जो हार्ड डिस्क होगी वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगी। अगर हार्ड डिस्क नहीं लगी है तो आप फिर भी इसको कॉन्फिगर एंड लॉग इन करके सेव कर लेते हैं, ठीक है। हार्ड डिस्क हम बाद में लगा देंगे, तो ये प्रोसीड करने देते हैं। ये आपका गेटवे तैयार करने का काम कर रहा है। यहाँ पे हार्ड डिस्क की बात करें तो गाइज, जो पहला हमने डायग्राम देखा था, ये सैन की जो हार्ड डिस्क है ना, ये जो सैन स्टोरेज है, इस सैन से आप स्पेस किस में दोगे, जो ओवा फाइल आपने क्रिएट कर रखी है उस ओवा फाइल में एज ए हार्ड डिस्क आप अटैच करा देंगे, ठीक है। इस सैन को एज ए हार्ड डिस्क इस सैन को अटैच करा देंगे, तो ये जो सेम स्पेस आपने शेयर कर रखा है सैन से, वो आपका हाईलाइट होने लगेगा कहाँ पे, फाइल गेटवे के अंदर जो अभी हमने प्रोसीड किया है क्रिएट करने के लिए। और यहाँ पे जैसे ही क्रिएट होता है, हम इसको S3 बकेट के साथ जोड़ लेंगे, S3 बकेट को ऑन प्रोमाइसिस पे मैच करा देंगे, मैच इन द सेंस मैप करा देंगे, क्लियर ना। तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि इसमें टाइम लगता है, 2-4 मिनट का 5 मिनट का, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग मोस्टली फाइनल स्टेप पे पहुँचने वाले हैं, तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं अभी। अगर आगे की स्टेप की बात करें तो अब देख रहे हो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है गेटवे हेल्थ लॉग ग्रुप, तो ठीक है, कोई सुनी, हम इसको प्रोसीड कर देते हैं, सेव एंड कंटिन्यू। और इस अपने गेटवे को सक्सेसफुली हमने सेव कर लिया, बट अभी हमने कोई हार्ड डिस्क नहीं अटैच की, मतलब अपने सैन से इसका कम्युनिकेशन नहीं करा रखा है, तो ठीक है। सैन से कम्युनिकेशन कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ओवा आपने अपलोड किया ना यहाँ पे वर्चुअल मशीन में जा करके, ये AWS गेटवे है, इस पर क्लिक करेंगे आप, एक्शन पे चलेंगे, और एक्शन पे जाने के बाद एडिट सेटिंग मिलेगा आपको, और एडिट सेटिंग में हम एक हार्ड डिस्क अटैच करा देते हैं, एड हार्ड डिस्क, न्यू हार्ड डिस्क पे क्लिक करते हैं, हाउ मच स्पेस यू वांट, तो हम इसमें 25 GB दे देते हैं। VMware पैरा वर्चुअलाइजेशन है, ठीक है, कोई इशू नहीं, आप इसको सेव कर देंगे। पेज को रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, उम्मीद है ये हमारी जो हार्ड डिस्क है यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगी, वो कैसे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से AWS ऑटो चेक की ऑटो करेक्ट की वजह से WAS हो गया, एंड नाउ यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद एडिट डिस्क करेंगे, प्रिपेयर कर रहा है। अब देखो यहाँ पे 25 GB आपकी जो हार्ड डिस्क अभी रिसेंटली आपने अटैच की थी ना, वो सक्सेसफुली यहाँ पे आ गई है। अब आप इस पे सेलेक्ट करो, कैसे पे जाओ, क्योंकि कैसे तैयार करना है हमें, और सेव कर लो, परफेक्ट। तो आपने जो हार्ड डिस्क अटैच की थी वो 25 GB की हार्ड डिस्क सक्सेसफुली आपके स्टोरेज गेटवे यानी फाइल गेटवे में अटैच हो चुकी है। अब इस फाइल गेटवे को हम S3 बकेट से जोड़ देते हैं। S3 बकेट से जोड़ने के लिए क्रिएट फाइल शेयर पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको अपने बकेट की डिटेल देनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक बार दूसरा पेज ओपन कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि कोई S3 बकेट अपने पास है, तो उसी के साथ हम इसको अटैच कर लेते हैं, ठीक है। S3 बकेट बहुत सी S3 बकेट हैं, तो हम यहाँ पे ठीक है इसी को यूज कर लेते हैं, यूज बकेट S3, इसको कॉपी कर लेते हैं, नाम कॉपी कर लेते हैं इसका, यूज बकेट S3, और इसे कहाँ पे हमें प्रोसीड करना है, अपने ब्राउजर पे चलना है, यस यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इसे, परफेक्ट, ठीक है। प्रोटोकॉल दो हैं अपने पास, NFS का इस्तेमाल कर सकते हो, SMB का इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है, सर्वर मैसेज ब्लॉक और फाइल नेटवर्क फाइल सिस्टम, तो कोई सा भी आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। हम यहाँ पे NFS के थ्रू शेयर करना चाहते हैं, सेलेक्ट किया, वैलिडेट कर रहा है ये बकेट और आपके स्टोरेज में, नेक्स्ट कर देंगे। कोई अगर आपको इसमें एडिट करना है, टाइम देना पड़ेगा इसमें पढ़ने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से। अभी हम एजेंडे पे चलते हैं, ध्यान देते हैं, क्रिएट फाइल पे क्लिक कर देते हैं। अब आप जैसे ही फाइल क्रिएट करेंगे और यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं, अभी क्रिएटिंग में है बट आपके पास लिंक आ गया है। अब अपने पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, सबके लिए यहाँ पे पाथ प्रोवाइड हो चुका है। आप इस पाथ को कॉपी करेंगे और डायरेक्टली अपने विंडोज मशीन पे या लिनक्स मशीन या आपके पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसमें आप पेस्ट करेंगे और ये स्पेस जो है आपने 25 GB का यूज किया है वो स्पेस आपके विंडोज या जहाँ पे भी आप मैप करना चाहते हैं सक्सेसफुली मैप हो जाएगा। ये तो कमांड की बात हुई, ये तो अपने पास कमांड की डिटेल हुई।
लेकिन आप इसको एक तरीके से और ऐड कर सकते हो। वो तरीका आपका ये है कि आप अपने विंडोज मशीन पे जाओगे और एक छोटा सा टूल डाउनलोड कर लोगे, डाउनलोड TNT ड्राइव, ठीक है ना। हमने क्या किया, डाउनलोड TNT ड्राइव, पहला ही लिंक आप ओपन करा लीजिए, यहाँ पे डाउनलोड कर दीजिए, छोटा सा सॉफ्टवेयर है ये, डाउनलोड कर लिया 4.7 MB ना के बराबर ये सॉफ्टवेयर है, इसको आप ठीक है डायरेक्टली हम इंस्टॉल कर लेते हैं। एक्सेप्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट, ठीक है इसको हमने इंस्टॉल किया। AWS पेज यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा हमें, AWS.amazon.com लॉगिन करा लेते हैं, क्योंकि हमें ऑथराइज ऑथेंटिकेशन तो देना पड़ेगा ना, इसमें कीज वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ेगी TNT ड्राइव के लिए, कुछ तो सिक्योरिटी चाहिए, और वो सिक्योरिटी हमारा AWS का पैनल ही दे पाएगा। न्यू क्लाउड, ठीक है gmail.com, ठीक है पासवर्ड जो भी आपने कॉन्फिगर किया हो, TNT ड्राइव रेडी टू यूज, रिस्टार्ट लेटर कर देते हैं क्योंकि अभी सिस्टम रिस्टार्ट होगा तो पूरा का पूरा इंफ्रा इस पे रिस्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जाओगे आप, अब TNT ड्राइव को ओपन करा लेते हैं इसी मशीन पे, दिस इज आवर TNT ड्राइव, TNT ड्राइव को ओपन कराएंगे और यहाँ पे ऑप्शन है अकाउंट्स का, राइट आप अकाउंट्स पे क्लिक करो, ऐड न्यू अकाउंट पे क्लिक कर देना है, अकाउंट का नाम आप दे दो कोई सा भी, AWS पोर्टल हमने दे दिया, और क्या ऐड करना चाहते हैं S3, तो एक्सेस ID और की तो देनी पड़ेगी, सेक्रेट तो देना पड़ेगा। तो हम चलते हैं अपने ब्राउजर पे और यहाँ पे अपने अकाउंट नेम पे, यहाँ पे देखो माई सिक्योरिटी क्रेडेंशियल क्लिक करिए आप, यहाँ पे देखो एक्सेस सेक्रेट एंड की क्रिएट, आप चाहो तो डाउनलोड कर लो, लेकिन हम डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं, सिक्योरिटी के लिए अच्छा नहीं है, अगर कोई दूसरा सिस्टम पाया तो उसे एक्सेस मिल जाएगा, दैट्स वाई हम इसको यहीं से कॉपी कर लेते हैं, डाउनलोड करना नहीं है हमें। तो एक्सेस की को यहाँ पे क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे, ओके, और सेक्रेट को भी आप पेस्ट कर दोगे, एंड पेस्ट, डन, ऐड अकाउंट कर दो। ऐड अकाउंट करने के बाद ऐड न्यू मैप ड्राइव पे जाओ, S3 बकेट नाम हमें क्लियर करना पड़ेगा, यूज S3 बकेट के नाम से था आपने जिसको सिंक्रनाइज किया था, ओके करो। ड्राइव लेटर आप अपने मन मुताबिक कोई सा भी चूज कर लो, S पे किया और ऐड न्यू कर दिया, परफेक्ट। तो अगर आप इसको ओपन करते हो तो जो AWS की बकेट है इसमें जो भी डेटा आप अपलोड करोगे, जिससे AWS के नाम का फोल्डर है, तो आप अगर आप माई कंप्यूटर क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो आप देखो एक ठीक है यहाँ पे नेटवर्क पे जाएंगे, तो आप देखो ये एक यहाँ पे ड्राइव अवेलेबल है, ड्राइव अवेलेबल है, इस ड्राइव में आप कोई सा भी फोल्डर अपलोड करोगे, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे टेस्ट फोल्डर एक बना लेते हैं, कुछ भी बना लेते हैं, कोई डेटा भी रख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, टेस्ट फोल्डर हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब ये टेस्ट फोल्डर ठीक है कहाँ पे गया, S3 बकेट में गया, लेकिन फाइनली वो पहुँच कहाँ रहा है, आपके लोकल स्टोरेज में। अगर हम इस ग्राफ को देखें तो आपका डेटा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आना चाहिए, ये तो मीडिएटर है, ये आपका S3 बकेट है, यहाँ पे आपने डेटा अपलोड किया, वो एंड ऑफ द डे आपका गेटवे से होकर के यहाँ पे स्टोर होगा। ये मेथड है लेटेंसी कम करने का, ये मेथड है माइग्रेशन का, ऑन प्रमाइस सैन को माइग्रेट करना अपने क्लाउड के साथ। तो गाइज ये पूरा का पूरा एजेंडा रहा, ये अपने पास प्रैक्टिकल रहा, इसका रिजल्ट भी आपके पास है, यहाँ पे सब कुछ रन कर रहा है सक्सेसफुली। तो गाइज प्लीज़ अगर आपको लगता है कि इसमें भी कुछ कन्फ्यूजन है, कहीं पर डाउट है, तो आप कमेंट ड्रॉप करिए, डेफिनेटली हम आपके कमेंट पे रिप्लाई करेंगे और सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। तो गाइज ये अपने पास डिटेल हो गए, और साथ ही साथ एक छोटी सी न्यूज़ है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन बटन पे क्लिक करके ना लाइव क्लासेस, लाइव ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, वो भी मात्र 1199 रुपये दे करके मंथली। तो गाइज इसमें अगर हम शेड्यूल की बात करें तो वीक में आपको 3 क्लासेस मिलेगी, लाइव क्लासेस मिलेगी, 1.5 आवर की एक क्लास रहेगी, तो डेफिनेटली एक मंथ में लगभग हम
AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट या माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर के जी 103 या 104 या 300 या 303 कोर्स कंटेंट को कवर कर लेंगे। तो ये बिल्कुल ही छोटे से अमाउंट में आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल मिल रहा है, तो एक बार ट्राई कर सकते हैं आप एक महीने के लिए। बाकी YouTube चैनल पे तो हम आपको लाइव वीडियो फ्री में देते रहेंगे, ठीक है। चलिए गाइस, आज के लिए इतना, नेक्स्ट मिलते हैं। आप वीडियो ऑन डिमांड में अभी रिक्वेस्ट कर सकते हो किसी भी वीडियो पे, डेफिनेटली ट्राई करेंगे हम उस वीडियो को आपको आप तक पहुंचाने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।